अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन उनकी रहायश हुआ करती थी। यहाँ अमिताभ बच्चन की वालदा का घर किधर था? ये वो वाला जो बर्तनों की फिक्सिंग वाली दुकान बनी हुई है। ये वो घर है जो तेजी बच्चन का है, जो अमिताभ बच्चन की वालदा थी। अमिताभ बच्चन साहब की वालदा से वो इधर रहते थे। अच्छा, उनके पेरेंट्स का घर है ये वाला। ये पुराने वक्त का ये दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन अभी तो ये लॉक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ पक्की माड़ी, सांदलबार, लायलपुर और फैसलाबाद। ये सारे नाम एक शहर के हैं, वो है फैसलाबाद। आज आपको फैसलाबाद की सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि किसका तल्लुक कहाँ से है। मैं पहुँचा हूँ फैसलाबाद रिगर रोड पर। यहाँ अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन उनकी रहायश हुआ करती थी। उनका मकान दिखाएंगे किस जगह और किस हालत में अभी मौजूद है। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ रीगर रोड पर। ये सारा रीगर रोड ये देखें, पुराने वक्त के मकान अभी भी इधर मौजूद है, और जो अमिताभ बच्चन की वालदा का घर था वो भी इधर मौजूद है। आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आगे था, पहले आगे रहते थे और फिर शादी हो गई तो इधर से चले गए। और बहुत सारी इमारतें यहाँ पुरानी थी। ये देखें, ये भी अभी भी पुरानी इमारत मौजूद है, लेकिन नीचे जो है मार्केटें बन गई हैं। ये बर्तनों वाली सारी मार्केटें हैं, और यहाँ पुराने जो बर्तन वो सेल करके नए बर्तन जो है वो यहाँ लेने आते हैं लोग। रिगल रोड है ये, रिगलपुर भी कहा जाता था। साथ में सिनेमा हुआ करता था किसी वक्त में, यहाँ रिगल सिनेमा, आगे जाके फिर अब डिगलसपुरा, झंग बाज़ार, और भी बहुत सारी जो शख्सियात हैं वो यहाँ से निकली हैं। आगे चलते हैं, आगे जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की वालदा है उसका घर यहाँ पे है, और ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि ये भाई जो है बैठे हुए हैं। भाई कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का। ये कौन सा इलाका है? ये लसूरी शाह रोड, झंग बाज़ार, रिगर रोड भी इसी कहते हैं। रिगर रोड भी इसी कहते हैं। अच्छा, यहाँ अमिताभ बच्चन की वालदा का घर किधर था? ये वो वाला जो बर्तनों की फिक्सिंग वाली दुकान बनी हुई है वो सामने। जी जी, उसकी वालदा इधर रहती थी। जी नहीं जी, ले जी बता रहे हैं जी, वो सामने घर था, उधर जा रहे हैं। ये साथ साथ मार्केट बन गई है बर्तनों की। जिधर अमिताभ बच्चन की वालदा का घर था, उनकी हवेली थी, उधर पहुँचे हैं। अभी बाहर से आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये बाहर से है, क्योंकि ताला लगा हुआ है। अभी तो बस ये एक दरवाज़ा बचा हुआ है। पूरी मार्केट, ये मार्केट बन गई है। यहाँ पे पहले घर था और ये सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया। इनसे करते हैं बात, ये इधर के शहरी हैं। करे भाई बताइएगा इस हवेली के बारे में। कहते हैं जी अमिताभ बच्चन की वालदा की हवेली थी। हाँ जी, ये नानके बोलते थे, इनके बाबा लछूड़ी शाह रोड में इनकी हवेली थी। यही हमें पता लगा ये अमिताभ बच्चन के नानकियों की हवेली है। अच्छा। हमें तो अब होश आई है, ये काफ़ी देर, ये पुरानी बात है बड़ों की। ये कितनी बड़ी हवेली थी कि ये 45 मल्ले थी हवेली अमिताभ। अच्छा। बच्चन की। अब इसमें पार्टीशन बन गई है। अच्छा, पार्टीशन सेल होगी। अच्छा, हाँ जी, इनसे बात करेंगे। अरे भाई आप बताइएगा, ये हवेली कहते हैं जी अमिताभ बच्चन की वालदा की थी। जी सुना है, पहले बड़े हमने अपने बड़े बच्चे पूछा है, अमिताभ बच्चन की हवेली थी। अच्छा, यानी कि ये बड़ी हवेली थी, कमरे वगैरह बने होते थे। कमरे बने थे, हर चीज़ शो बन जाए, बाजार बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो फिर दुकानें शॉप होगी, किसी ने कब्जे कर लिए, किसी ने कुछ हो गया, सेल होगी, ये चीज़ें होगी इसकी। यानी कि फिर इसको गिरा दिया, ये एक दरवाजा ही अभी बचा है। एक दरवाजा ही है, सिर्फ थोड़ी बिल्डिंग बनाई है, मतलब सभी दुकानें पड़ गई। अमिताभ बच्चन को क्या पैगाम देंगे अगर वो यहाँ आए? तो वेलकम करेंगे हम तो चाहेंगे, हम तो प्यार करने वाले आदमी है, पाकिस्तान है हम तो।
हाँ दुश्मनी तो नहीं करते, हम प्यार ही करते हैं पाकिस्तान आज़ाद पर। आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो अमिताभ बच्चन से ये पैगाम देता हूँ, जुवेद भांडे वाले से मिले वो वेलकम कहेगा अमिताभ बच्चन से। अच्छा जी, ये कहते हैं जी वो आए तो वेलकम भी करेंगे और साथ में वो कहते हैं कि जी यहाँ से उनकी वालदा की पैदाइश हुई है और यहाँ से वो पली बढ़ी हैं तो लाजमी आए अपने बड़ों के साथे को देखने के लिए। कल्लू साहब आप बताइएगा इस हवाले से थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो ऐसे बड़े लोगों की जिन लोगों ने कुछ किया है तो फिल्म के लिए किया है, हम चूँकि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसी ऐसी जगहों को सेव होना चाहिए था लेकिन नहीं हुई। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा खुदारा सारा खरीमे वाले ऐसे जो यहाँ हमारे हीरो पैदा हुए हैं, यहाँ हमारा ये सांदलबार का शहर है, ये हीरो है पाकिस्तान का, ये हीरो शहर है, इसमें उन लोगों के लोग नानयाल और दादयाल यहाँ रह के गए हैं, इस शहर के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऐसे ही अगर उसकी वालदा यहाँ रह के गई है, उसकी वालदा की यहाँ पैदाइश है, तो क्या माँ बाप तो खुदा का रूप होते हैं, माँ बाप की जहाँ पैदाइश के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए। मैं अमिताभ बच्चन साहब को ये रिक्वेस्ट कराँगा कि अगर उन्होंने वतन इतने रह के गए ने, अगर अमिताभ बच्चन यहाँ आए, मेरे से तो वो बड़े हैं, मैं तो इत्राम करूँगा ही करूँगा। ये मेरे साथ जुवेद भाई हैं, इन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ उन्हें वेलकम करूँगा बल्कि उनकी मेहमानवाजी करूँगा। हाँ, ऐसे ही मैं अपनी सांदलबार से लालपुर, मैं चूँकि उस वक्त के नाम बोलूँगा, फैसलाबाद का विज़िट करवाएंगे, विज़िट मैं उसके दाएं बाजू के साथ खड़ा होकर पूरे फैसलाबाद नहीं पूरी सांदलबार का विज़िट, पूरे लालपुर का विज़िट करवाऊँगा। और मेरा मैसेज है कि अगर उनके पास टाइम हो तो इंशाल्लाह हमारे से रابطہ करें, हमारा फ़ोन नंबर दें, हमसे रابطہ करें, इधर आएँ, उनकी खातातवारी भी होगी और उन्हें साबित करेंगे कि हम लोग नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, बिल्कुल मोहब्बत वाले लोग हैं। यहाँ ये मेरे मशरकी पंजाब से अक्सर सिख आते हैं हमारे पास, उन्हें हम इतनी इज्जत देते हैं कि वो वहाँ जाकर हमें फ़ोन वगैरह चले करते हैं। चलें जी, पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि जी अगर अमिताभ बच्चन अपनी वालदा की जो जाए पैदाइश देखने के लिए फैसलाबाद आएँ तो उनको पूरे फैसलाबाद का लालपुर का विज़िट करवाएंगे। ये जी तेजी बच्चन का घर है, जो अमिताभ बच्चन की वालदा थी 1941 में जो शादी हुई थी। ये एक मोहल्लेदार भाई मौजूद है, भाई ये किनका घर था? ये अमिताभ बच्चन साहब की वालदा से, वो इधर रहते थे। अच्छा, उनके पेरेंट्स का घर है ये वाला। अच्छा, बहुत अच्छे लोग थे, लोग आते भी हैं इधर उनको उनका घर वगैरह देखने के लिए, इंडिया से भी अभी भी आते हैं, इंडिया से अभी भी आते हैं। अच्छा, फॉरन से आते हैं, कैनेडा से भी आते हैं, बहुत सारे लोग इधर से आते हैं, देखते हैं वहाँ के ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई गहरा खंडर है। अच्छा, किसी के कारोबार का जरिया बना हुआ, किसी के आमदन, यानी कि अभी तक ये खुला नहीं है, बहुत पुराना है, अब ये इसको ताले लगा के बांध किया हुआ है। बस कुछ गोदाम भी हैं, इसमें से किसी ने अपने लिए गोदाम बना लिया है, स्टोर वगैरह बना लिए, ठीक है ना, ऐसे ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है, जितना भी जो पुराना विरासत था सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने लोगों ने, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा बहुत जो बचा है यही है। और ये चूँकि उसकी अमिताभ बच्चन की वालदा का घर है इसलिए अभी तक ये महफूज है। बस कह रहे हैं कि यही है, अभी किसी बिल्डर की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी फिर अच्छा अच्छा नक्शा इसका और ही होगा। शुक्रिया अबू बकर भाई। ये देखें जी, पुराना काम हुआ है, इसके ऊपर अभी वो जो बनाते हैं खूबसूरत नक्शा, ये चेक करें ये, लेकिन अभी लॉक है, ये मेन गेट है। अब किसको पता था कि इतनी जो बड़ी फैमिली इधर रहती थी फैसलाबाद में, और अब चूँकि वो यहाँ से तो वो पार्टीशन के बाद चले गए थे। ये मेन आप देखें, ये अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं, ये चक्कर ये घर है उसका, अमिताभ बच्चन की वालदा का, लेकिन अभी तो बंद है, गवर्नमेंट को चाहिए कस्टडी में ले और इसके जो देखभाल है वो करे। ये देखें, ये पुरानी काफ़ी हवेली है और ये आज भी वैसी हालत में मौजूद है और लॉक लगे हुए हैं। देखें, शायद कोई रहता भी हो लेकिन अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया, अभी तो बंद है। काफ़ी ये शायद रेनोवेशन की है इसकी। ये ऊपर जाएं, ऊपर देखें, ये बहुत ज़बरदस्त है, पुराने दौर की ये
इमारत है। और ये इसका पुराने दौर का जो दरवाज़ा है, चेक करें ये सारा,